फेजर एलजेब्रा, फेजर एलजेब्रा टोटली ऑप्शनल है। आप अगर इस टॉपिक को ना करें तो भी कोई फर्क ना पड़ता, ये ऑल्टरनेटिव है। एलसीआर सर्किट को किसी और तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एक एलजेब्रा इंट्रोड्यूस किया गया फेजर एलजेब्रा, उससे इसकी डेरिवेशंस की गई। आपको नहीं करना मत करें, मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको ना बस ये टर्म्स पढ़नी आ जाएं। कल को कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फेजर एलजेब्रा की फॉर्म में कुछ मेंशन कर दे और आपको ये पता ना लगे, आपको आते हुए भी पता ना लगे आंसर कैसे मार्क करना है, वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। सिर्फ 3-4 मिनट लगेंगे इसको समझने में, इससे ऊपर नहीं। तो बस 2 मिनट में समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। फेजर एलजेब्रा में ये सिखाया जाता है, नॉट फॉर एनसीईआरटी प्लीज़, तो फेजर एलजेब्रा में ये सिखाया जाता है कि अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है और उसके मान लें 2 कंपोनेंट्स हैं, एक ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है। ये वेक्टर नहीं है प्लीज़, मैं ये नहीं कहने वाला ए आई कैप बी जे कैप, नहीं बोलने वाला। मैं ये बोलने वाला हूँ कि ए वेक्टर को लिखेंगे ए प्लस जे ऑपरेटर, इसको जे बोलते हैं, जे कैप नहीं है, जे इंटू बी। जिस भी टर्म के आगे जे लग जाता है फेजर एलजेब्रा में, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आगे चला जाता है। जैसे ये ए है और मैंने क्या लिखा, ए के आगे जे बी, जे बी का मतलब जो बी वेक्टर बनेगा, जो बी का कंपोनेंट होगा, वो 90 डिग्री ए से आगे बनेगा, ये इसका मतलब है। तो इसके अंदर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ ए का, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इसका आंसर होगा। मैथ वालों को बिल्कुल समस्या नहीं है, क्योंकि मैथ वालों ने कॉम्प्लेक्स नंबर किया हुआ, यह बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, आपके सामने ही है, दिखाता हूँ कैसे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ऐसा करते थे, पर मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। जैसे अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर है, फेजर एलजेब्रा में अगर मैंने लिख दिया जे ऑपरेटर ए वेक्टर, तो मतलब नया वेक्टर यहाँ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री इधर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूँ जे के साथ, तो 90 डिग्री और इधर आ जाएंगे, तो जे को मल्टीप्लाई करेंगे जे इंटू ए, तो क्या बनेगा, जे का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। और मैं बता दूं, जे स्क्वायर माइनस वन होता है, जे स्क्वायर इसमें माइनस, तो ये माइनस ए वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर का उल्टा माइनस ए वेक्टर। तो ये याद रखना है कि जे स्क्वायर ए वेक्टर, जे स्क्वायर स्टैंड फॉर माइनस वन, और जे का मतलब माइनस वन का अंडर रूट, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही स्टार्ट हो गया। पर ये याद रखना, जे को मल्टीप्लाई करने का मतलब 90 डिग्री आगे चले जाना। बस इतनी सी बात से लेके हम एलआर सर्किट बनाते हैं। एलआर सर्किट में अगर आपको याद हो, वोल्टेज रेजिस्टर की और इंडक्टर की 90 डिग्री का फर्क होता है। इंडक्टर की वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, इसको कैसे लिखा जाता है ये देखो, नेट वोल्टेज इज वी आर प्लस जे इंटू वी एल। बस ये इक्वेशन बता रही है कि वोल्टेज इंडक्टर के 90 डिग्री आगे है वी आर से, ये फेजर एलजेब्रा है। मतलब कल को ऑप्शन इस फॉर्म में आ जाए तो कम से कम पढ़ना तो आ रहा है, इसका मतलब क्या है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, या ऐसा करें वी आर को पुट कर ले करंट इंटू रेजिस्टेंस, वी एल को पुट कर ले करंट इंटू एक्सेल, करंट यहाँ से कॉमन आएगा, अंदर की टर्म आपके पास जेड बच जाएगी, तो ये जेड का फॉर्मूला आएगा। और जेड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर, जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये सब तो पता ही आपको कि इसका जेड का फॉर्मूला क्या है, ये कुछ नहीं करना आपने। बस आपको रीड करना आना चाहिए कि मैं समझा रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ। जैसे अगर मान लो रेजिस्टर और कैपेसिटर है, वोल्टेज रेजिस्टर में यहाँ पर है, कैपेसिटर में पीछे है। अब पीछे आगे जाने का मतलब जे से मल्टीप्लाई करना, पीछे आने का मतलब माइनस जे से मल्टीप्लाई करना, तो नेट वोल्टेज क्या आएगी, वी आर माइनस जे वी सी, माइनस जे का मतलब इस तरफ है 90 डिग्री। तो इसके बाद इसमें आई इंटू आर पुट करेंगे, आई इंटू एक्स सी पुट करेंगे, यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा, बची हुई टर्म जेड आएगी, तो जेड कॉमन निकाल के ये वैल्यू आएगी और इसका मैग्नीट्यूड वही आएगा जो हमने क्लास में किया हुआ है। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पढ़ना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है बस, और आपको कुछ नहीं करना। तो ये बात समझ में आ रही है कि कल को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मान लो आ जाए जिसमें जे लगाओ, कम से कम आपको समझ में आना चाहिए कि कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं करना। जैसे एलसीआर सर्किट ऑलरेडी किया हुआ है हमने, हम फेजर से क्यों करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि नेट वोल्टेज में क्या होगा, वी आर, इंडक्टर की वोल्टेज 90 डिग्री आगे है और कैपेसिटर की वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। बाकी इसकी थ्योरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड रिजल्ट तो इंपेडेंस का ऑलरेडी हमें आता ही है, तो ये देख के क्या करेंगे। तो समझ में आ रहा है कि फेजर एलजेब्रा में कैसे लिखी जाती है वोल्टेज की वैल्यूज को, बस इतनी सी बात है।